Okay, first in first video we have studied about introduction and nervous system. तो इंट्रोडक्शन देख लिया था, मूवमेंट क्या होती है, फिर नर्वस सिस्टम देखी थी, अब हम आगे देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन. तो रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स देखो यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है, क्या है इससे, ये कुछ गर्म चीज है, गर्म चीज से आपके हैंड मीन्स आपके हाथ की जो उंगलियां है वो उसको टच कर दिए, तो यहाँ से सिग्नल जाता है कहाँ से, फर्स्ट मैं यहाँ से मैं इसको टच करूंगा, पहले मेरी उंगलियां पे ही आएगा ना, पहले मेरी उंगलियों पे आएगा सिग्नल, वो उंगलियों पे सिग्नल आने के बाद कहाँ पे आता है, मसल्स इन आर्म, तो हाथ में आता है, फिर ये आर्म जो होता है ना वहां से सिग्नल स्पाइनल कोड पे जाता है, कहाँ पे जाता है, स्पाइनल कोड. तो इन दोनों के बीच में ले जाने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है, तो यहाँ से सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन या तो मोटर न्यूरॉन ले जाता है कहाँ तक, स्पाइनल कोड तक. फिर ये स्पाइनल कोड क्या करता है, वो स्पाइनल कोड जो होता है ना वो मैसेज देता है, किसको देता है, ब्रेन को देता है कि अब आप यहाँ से हाथ हटा लो, क्या आप यहाँ से हाथ हटा लो, तो उसके बाद हमारा हाथ जो होता है वो रिएक्ट करता है और हम जो गर्म चीज होती है ना उससे हमारे हाथ को हटा देते हैं. ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, तो फर्स्ट रिफ्लेक्स इज द वर्ड वी यूज कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट. तो सडन हमको कोई भी चेंज देना है रिस्पॉन्स के मीन सडन हमको कुछ भी रिस्पॉन्स देना है तो उस वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है. वी से आई जंप आउट ऑफ द वे ऑफ बर्ड्स रिफ्लेक्सली और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेक्स रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सली और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग रिफ्लेक्स. तो हमारे जब भी हमको जब हम हंग्री होते हैं तो मुंह में पानी आ जाना, फिर अगर आपने हाथ बाहर रखा है बस से और सामने आया कुछ दिखा तो आपने तरत हाथ अंदर ले लिया और उसके बाद आपने कुछ भी ऐसी चीज देखी बस आते हुए दिखी तो आपने जंप कर लिया. तो ये सब की मीन्स एट अ टाइम आप कर रहे हो, एट अ टाइम सिग्नल आपके माइंड को जा रहा है कि आपको ऐसा करना है. तो ये जो भी चेंजेस है ना वो सब चेंज आप किसमें काउंट करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन में. किसमें काउंट करें, रिफ्लेक्स एक्शन. लेट अस कंसिडर दिस फर्दर, टेक वन अवर एग्जाम्पल. टचिंग अ फ्लेम इज अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट ऑफ एनी एनिमल हाउ वुड वी रिस्पॉन्स टू इट. तो कोई भी गर्म चीज को टच करना या तो गर्म फ्लेम को टच करना तो आप कैसे रिएक्ट करते हो. वन सीमिंगली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न्ड एंड देयरफॉर मूव अवर हैंड. ओके, एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस. द आंसर डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करेगा, हाउ वी थिंक. इफ नर्व इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर then thinking is also liking in involved in creation of the such a impulse. Thinking is a complex activity so it bounded to involve complicated interaction many nerve impulse for many neuron. देखो इसमें क्या बोला है कि आप कोई भी गर्म चीज गर्म फ्लेम के आपका हाथ रखते हो तो हाथ रखने के बाद आपको पता चलता है कि ये चीज गर्म है, आप यहाँ से हाथ उठा ले दो, लेकिन आप एट अ टाइम हाथ नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा कि आपकी माइंड सोचता है कि ये गर्म चीज है यहाँ से आप हाथ उठा लो. तो ये सब काम करना मीन्स ये जो टाइम लगता है वो सबको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन. ये सबको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन. मीन्स हमारी माइंड में ये सेट ही होता है पूरा सिस्टम. ओके, इफ दिस इज द केस इट इफ दिस इज अ केस इट इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इज अवर बॉडी कंजेस्टेड डेन नेटवर्क इन. और ये जो नेटवर्क है वो किससे रहता है, नेटवर्क और इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स. ये नेटवर्क किससे बना हुआ रहता है, न्यूरॉन से. इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक अबाउट बिफोर इज रिस्पॉन्डिंग टू देम. ऑब्वियसली इन द ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हमने आगे मैं जो पहले मिनट में जो आपको पढ़ाया ना वही बात हो रही है. सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट किसको, मसल्स टू मूव, नर्व मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. इफ ऑल ऑफ द दिस टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट अ बर्न. देखो अगर टाइम ज्यादा लग जाएगा तो आपका हाथ जल भी सकता है ना, आप अगर गर्म चीज को टच करोगे, आप एट अ टाइम क्विकली अगर नहीं ले लो उसको वापस ले लोगे तो आपका हाथ जल भी सकता है. तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन. तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या चीज हो रही है, देखो
देखो ये फिर से ये दो दो एग्जांपल में दो उसमें नीचे में जो दिया है वो थोड़ा सा आपको ऐसे ही दिया हुआ है। देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या दिया है नीचे के दो पैराग्राफ में, कि ये है गरम, कोई भी गरम चीज़, गरम चीज़ को से सिग्नल आपके हाथ की उंगली में जाएगा, मीन्स फिंगर ऑफ आवर हैंड, फिंगर ऑफ आवर हैंड वो सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्टली नहीं जाएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। तो किससे जाएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। वो मोटर न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाएगा किसको? ब्रेन को जाएगा। ब्रेन ब्रेन उस पर रिएक्ट करेगा और ब्रेन अपने आप में सिग्नल जनरेट करेगा, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल। और वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो अपने हैंड को देगा, और जो हमारा हाथ जो भी गर्म चीज के ऊपर है वो उसको सिग्नल देगा कि हाथ वहां से हटा लो, नहीं तो आपका हाथ जल भी सकता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, यहाँ से सिग्नल जाके स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी ऑब्जेक्ट, उन पूरे को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, या तो आप इसको रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हो। क्या? आप इसको रिफ्लेक्स आर्क भी बोल सकते हो। तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ओके,